तो दोस्तों ये जो बीमारी है ब्लोजोम एंड रोट, तो ये अक्सर जब ज़्यादा पानी बरसने लगता है, जैसे कि 3-4 दिन लगातार पानी हो रहा है, तो तब ये बीमारी देखने को मिलता है। तो इसको नियंत्रण करना बड़े ही सिंपल है। तो जैसे आप लोगों को पता चलने जा रहे हैं कि अभी 2-4 दिन लगातार बारिश शुरू हो जाएगा, तो आजकल तो इंटरनेट से भी पता चल जाता है या फिर न्यूज़ से भी पता चल जाता है, एक वेदर रिपोर्ट से। तो आप लोगों को जो करना है, सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WOP को लेना है 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद बारिश ख़त्म होने के बाद फिर भी आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले जो करना है, जिस जिस फल में ये बीमारी लग चुका है उस फल को सीधा तोड़ना है और कहीं बाहर में दूर में जाके फेंक देना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को स्प्रे में कैल्शियम लेना है 50 ग्राम और नेटिवो लेना है 10 ग्राम, दोनों को मिक्स करके घोल बना के छिड़काव कर देने से रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा। तो ये था इसको रोकने का सिंपल उपाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।